सो ही गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो प्लीज वीडियो को लास्ट वॉच करना। तो बीटीएस आर्मी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बीटीएस मेंबर्स को हमेशा हेट किया जाता है और बहुत से लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन यार जब जब हेटर्स ने बीटीएस को रोस्ट करने की कोशिश किया है, उनके बदनाम करने की कोशिश की है, हमारी आर्मी ने बीटीएस को प्रोटेक्ट किया है। लेकिन यार एक बार एक हेटर्स ने ये रूमर फैला दिया कि हमारे बीटीएस मेंबर 7 मेंबर्स का ग्रुप नहीं है बल्कि 8 मेंबर्स का ग्रुप है। और यार कुछ दिनों के अंदर ये बात बहुत ज्यादा वायरल हो गई और लोगों को डाउट होने लगा कि शायद से ये बंदा सच बोल रहा है। तो बड़ी आप लोगों को क्या लगता है कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ, इसके बारे में मुझे तो पता नहीं। लेकिन बट यार शायद से बहुत से लोगों का ये कहना है कि बिग हिटम से कुछ छुपा रहा है। बहुत से आर्मी का ये मानना है कि शायद से बीटीएस ग्रुप 7 मेंबर्स का नहीं है बल्कि 8 मेंबर्स का ग्रुप है। और आर्मी, जैसे मैंने ये बात सुनी तो यार ये जानना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूर हो गया कि शायद से बीटीएस मेंबर ग्रुप में क्या ये बात सच है कि वो 8 मेंबर्स ग्रुप है और हम लोग को दिखाया जा रहा है 7 मेंबर्स। ऐसे कुछ क्वेश्चन यार मेरे दिमाग में चल रहे थे। मेरे दिमाग में तो ये भी चल रहा था कि शायद से बिग हिटम से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। और यार इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए मैंने अपनी पेन और कॉपी को उठाया और चल दिया मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। और गाइस जब मैंने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया और उसका आंसर जो निकला है ना, उसे सुनने के बाद तो मैं बिल्कुल सुन रह गया। मतलब कि यार क्या बात है यार, इनकी दिमाग की मुझे दाद देनी पड़ेगी शायद से। आई नो बड़ी, मैं जानता हूँ कि आप लोग भी जानना चाहते हो कि यार ऐसा क्या कर दिया बिगट ने जो उनकी तारीफ कर रहा हूँ मैं इस समय। एनीवेज यार मैं आपसे बता दूं कि जब भी हमारे बीटीएस मेंबर को कोई परेशानी होती है या कोई भी चोट लगती है तो बिगट में एक बंदा है जो हमारे बीटीएस मेंबर की उस समय जगह ले लेता है। और आर्मी शायद से आप सभी को याद होगा जब हमारे सुगा की शोल्डर सर्जरी हुई थी तो हमारे सुगा 2013 के SBS डांस इवेंट में परफॉर्म नहीं कर पाए थे। और यार उसी समय बिगट ने डिसीजन लिया और उस नए मेंबर को सुगा की जगह परफॉर्म करने के लिए भेज दिया। और यार किसी को पता न चले और किसी को शक ना हो, इसी वजह से उस मेंबर ने अपने सर पे टोपी पहन रखी थी और अपने मुंह पे मास्क लगा रखा था। वैसे यार देखा जाए ना, बिगट कंपनी कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है यार। आई नो जानता हूँ कि आप सब ये सोच रहे हो कि यार किस तरह स्ट्रिक्ट है यार। आप सभी वीडियो में देख सकते हो कि हमारे सुगा को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी बिगट कंपनी ने सुगा को परफॉर्म करने के लिए फोर्स किया था। कसम से यार एक कैफे फाइटर की लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती जितना हम सोचते हैं, क्योंकि आर्मी सुगा ने हॉस्पिटल में भी काम किया था अपने न्यू एल्बम के लिए। और यार कुछ दिनों के बाद जब सुगा रिकवर हो गए तो यार उन्होंने आर्मी से बात भी की थी। एनीवेज आई नो मैं जानता हूँ कि आप सब यही बोलना चाहते हो कि इच्छी भाई जब तूने इतना बता ही दिया तो इतना ही बता दे कि आखिर वो 8 मेंबर है कौन, उसका नाम क्या है, वो दिखता कैसा है। क्यों आर्मी आप सभी जानना चाहते हो ना यार वो बंदा है कौन। तो यार अगर आप सभी को जानना है तो एक काम करो, मेरे अकाउंट में 5-6 लाख डलवा दो और फिर मैं आपसे बता दूंगा कि वो बंदा दिखता कैसा है और उसका नाम क्या है। कुछ ज्यादा नहीं बोल देना मैंने। वैसे यार प्लीज कमेंट सेक्शन में गाली मत बकना, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। बता रहा हूँ कि बंदा दिखता कैसा और वो है कौन। सो आर्मी ये न्यू मेंबर कोई और नहीं बल्कि हमारे बीटीएस मेंबर का कोरियोग्राफर सनसन ड्यूक है, जो कभी कभी क्रिटिकल सिचुएशन में बीटीएस मेंबर की जगह ले लेते हैं। वैसे यार सनसन ड्यूक का कहना है कि उनको बीटीएस के साथ काम करना बहुत ज्यादा पसंद है और वो चाहते हैं कि वो हमेशा बीटीएस मेंबर के साथ काम करते रहे। और यार उन्होंने ये भी कहा कि जब 2013 के इवेंट में सुगा की जगह परफॉर्म किया था तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। तो एनीवेज बर्डी यही थी हमारी आज की मिस्ट्री। जो लोग बोलते हैं ना कि बीटीएस ग्रुप 8 मेंबर्स का ग्रुप है तो यार आप सब सही हो, लेकिन बट यार थोड़े बहुत, क्योंकि अभी तक सनसन ड्यूक ने बस एक बारी हमारे बीटीएस मेंबर की जगह ली है। अभी तक ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आई जिसकी वजह से सनसन ड्यूक को दोबारा हमारे बीटीएस मेंबर की जगह लेना पड़े। एनीवेज यार आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भूलना गाइस, एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस वीडियो के बारे में क्या राय है। तो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड सयोनारा।